गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और यूट्यूब चैनल रंजना वर्मा ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखो तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लखनऊ की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध जगह लेकर चल रही हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर चलते हैं, अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ और बताती चलूँगी उस जगह के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखे आ चुके हैं यूपी दर्शन पार्क में। ये अभी जल्दी ये पार्क का उद्घाटन अभी हुआ है, अभी जल्दी ये ओपनिंग हुई है। तो ये हमारा यूपी दर्शन के नाम से ये पार्क है, और भी आप देख सकते हो श्री राम मंदिर का स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं यूपी दर्शन पार्क, अभी मैं अंदर चलती हूं आपको लेकर। और देखिए, आप देख सकते हो ये जो है पार्किंग लगी हुई है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। आप यहाँ पे पार्किंग आराम से टू व्हीलर पार्क कर सकते हो, फोर व्हीलर की भी पार्किंग है, जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप यहाँ टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों पार्क कर सकते हो। तो अभी हम एंट्री गेट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कितना इसका पास है, टिकट है। तो चलिए फिर, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अंदर हम लोग पार्क में जा रहे हैं। टीटू कितनी एक्साइटमेंट है। यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अभी, चलिए फिर। और अभी एंट्री करते ही आपको ये देखिए, यहाँ पे ये जो है रेस्टोरेंट टाइप का दिखता है। यहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो। बाकी आप इधर देख सकते हो, ये सामने एंट्री गेट दिख रहा है। बाकी ये साइड में देख सकते हो दीवार बनाई गई, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कलाकृति की गई है। और अभी ये हमारा सामने जो दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारा टिकट है काउंटर, यहाँ से हम टिकट लेंगे। और आप देख सकते हो सामने टिकट का लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 100 रुपीज पर पर्सन है। 12 से 60 वर्ष के व्यक्ति का आप 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट है। और उसके बाद जो है 3 से कम उम्र के बच्चों के लिए और 60 वर्ष से ऊपर के बच्चों लोगों के लिए यहाँ पे आपका 50 रुपीज चार्जेस। तो अभी हम देखिए टिकट ले चुके हैं और हम अंदर चलते हैं। चलिए अब मैं दिखाते चलती हूँ आपको साथ साथ। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं यूपी दर्शन में। यूपी के लखनऊ में स्थित है हमारा ये अंबेडकर पार्क है, 10 नब्बे चौराहे के पास, उसके सामने आपको जस्ट अपोजिट में पड़ता है अंबेडकर पार्क के सामने। हाँ, और वहाँ पे आप अभी अंदर आए हैं तो आपको मैं बताती चलती हूँ, अंदर चलिए। और यहाँ जो जो चीजें मैं दिखाती चलूंगी, और इस तो अगर आप लोग यूपी लखनऊ में रहते हो तो आ सकते हो यहाँ पे देखने। तो अंदर चलते हैं, और यहाँ से एंट्री गेट आप देख रहे हो कितनी ही खूबसूरती से बनाया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से बनाया गया है। और अभी एंट्री करते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ हम टिकट दे रहे हैं, और यहाँ पे टिकट लेकर ये स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद ही हम लोग को एंट्री मिलती है। तो अभी हमको एंट्री मिल चुकी है और हम अभी चलते हैं अंदर की ओर। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी ये पार्क में जो भी चीजें आपको बनाई गई हैं देखने को मिलेंगी, यहाँ यूपी के जितनी भी फेमस चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो भी अभी हम एंटर कर चुके हैं, और आप जो है सीधे देख रहे हो यहाँ पे आपको सामने सबसे पहले आपको दिख रहा है रानी लक्ष्मीबाई का किला, यानी झांसी की रानी का किला है। और यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो है जो भी चीज ये बनाई गई है, ये पूरा आपको वेस्ट मेटल मटेरियल से बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कितनी ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। बाकी ये देख सकते हो साइड में जो है इनके हिस्ट्री के बारे में, इनका पूरा इतिहास के बारे में लिखा गया है, आप इनके बारे में जान सकते हो, यहीं से पढ़ के सोच समझ सकते हो। बाकी आगे की तरफ हम चलते हैं, आप देख सकते हो इधर साइड में दोनों साइड में आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे, हरियाली छाई हुई है। बाकी ये दूसरा आप देख सकते हो, इसको आप ऐसे ही कितने प्यारे तरीके से गुंबद वगैरह लग रहे हैं। ये हमारा ताजमहल है, जो कि बहुत ही यूपी आगरा में पड़ता है, बहुत ही फेमस पड़ता है। यहाँ पे भी आपको मैं दिखा दूँ, ये भी जो है हर जगह आप जहाँ पे भी देखोगे ये इस तरीके का बोर्ड लगाया जाएगा, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, आराम से जान सकते हो। तो ये सारी और टोटल चीजें जो भी आपको दिखाते चलिए, ये सारे आपका मेटल का वेस्ट मटेरियल से हमारा बनाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से है कि मतलब आपको देखने पे लगेगा नहीं कि ये वेस्टेड मटेरियल से बना हुआ है। बाकी ये आप आगे देख सकते हो, ये देखिए ये भी हमारा वेस्ट मटेरियल से ही ऑल टोटल बना। ये हमारा है फतेहपुर सिकरी, इसका भी बोर्ड, मतलब आप जो भी चीजें देखोगे अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे कि आप इसके इतिहास इनके हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। ये देखो फतेहपुर सिकरी, ये भी बहुत ही देखिये कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया। और यहाँ पे देखिये बैठने की भी जगह है, जो भी बनाई गई वो भी मेटल की
मतलब पूरी और टोटल वेस्ट मटेरियल से बनाई गई, बैठ सकते हो आराम से। वो इतनी सुंदर तरीके से इनकी आकृतियों को बनाया गया है, कुछ पूछो नहीं। और अभी हम चलते हैं, आप यहाँ देखते चलो, ये सामने आपको साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ में देखने में या जाने में परेशानी ना हो। बाकी ये हमारा सेल्फी पॉइंट बनाया गया, आप देख सकते हो। मेरा लव, दिल को लवी बोलते हैं, तो मेरा यूपी लव, मतलब हम लोग ने यहाँ फोटोज वगैरह खिंचवाई थी। उसके बाद अभी हम चलते हैं, ये देखो कितने हरियाली छाई रहती, फ्लावर्स वगैरह लगे। तो अभी आप ये हम सामने आ गए हैं, ये आप देख सकते हो, इसको तो क्या ही बताएं, इसको जा नहीं सकते। ये है हमारा बाके बिहारी मंदिर पड़ता है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, और मतलब कहिए तो मतलब ये नहीं कह सकते हो कि मतलब ये वेस्टेड मटेरियल से बनाया गया, लोहे स्टील और जो भी कचरे का जो भी सामान रहता है उन सब चीज़ों से। और साइन बोर्ड हर जगह है, ये देखिए राधा रानी मंदिर, सारे मतलब यूपी के जो भी फेमस फेमस जगह है वहाँ वो सब चीज़ें हैं। ये राधा रानी मंदिर है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बहुत मतलब सामने से आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगना, और इतने मतलब फिनिशिंग अच्छी दी गई है, मतलब पता ही नहीं चलता कि वेस्टेड मटेरियल से है। और मैं अभी आपको आगे ले चलती हूँ, ये आप सामने देख रहे हो। एक तो यहाँ पे देखिए हरियाली इतनी अच्छी छाई हुई है, मतलब अच्छा लगता है, कुछ पूछो नहीं। बाकी आप सामने देख सकते हो, ये ई मंत्र कहा जाता है, इसका नाम ई मंत्र रखा गया है यहाँ पे भी। अब ये देख सकते हो आप, इसको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ पास से जाकर। ये हमारा पूरा कचरे से ही बनाया गया, कचरा वेस्टेड मटेरियल से बनाया गया। और ये जो हमारा जो कीबोर्ड होता है, इसका ई मंत्र इसीलिए रखा गया। ये जो कीबोर्ड वगैरह है आप देख सकते हो, कितना क्लोज करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कीबोर्ड वगैरह जो भी बेकार रहते हैं उन चीज़ों से बनाया गया है, और कितने ही सुंदर तरीके से रखा बनाया गया, बना के रखा गया है। तो अभी हम आगे की ओर चलते हैं और दूसरा चीज़ बताते हैं, तो आप देखते चलो। और ये हमारा बड़ा इमामबाड़ा आ गया है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से। तो अगर आप लखनऊ में रहते हो, इस जगह नहीं आए हो, तो अभी आके आप घूम सकते हो। बहुत ही अच्छा पार्क है, मतलब कहिए तो बच्चों को भी लाने लायक है, बच्चे कुछ जानेंगे तो उससे अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा सुंदर पार्क है, और आप आ सकते हो, अभी जल्दी ये ओपन हुआ है। तो अभी ये इधर आ गए हैं हम, ये भी आप देख रहे हो, ये भी हमारा वेस्टेड, टोटल वेस्टेड मटेरियल से बनाया गया है। कहिए तो ये कचरा आपको वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं कि इतने सुंदर तरीके से। और ये विधान भवन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इन लोगों को जैसे नहीं पता कुछ नाम जैसे कि, तो आप यहाँ पे बोर्ड लगाए गए हैं तो उनको पढ़ सकते हो, उनके हिस्ट्री जान सकते हो, उनके बारे में टोटल चीज़ जान सकते हो। स्कैन करने का, स्कैन करके आप इनके बारे में जान सकते हो। और यहाँ देख सकते हो हर जगह साइन बोर्ड आपको दिखेगा और टोटल चीज़ें। और यहाँ काफ़ी मतलब बहुत लोग आते हैं तो यहाँ वीडियोस रील सभी बना रहे हैं, क्योंकि ये नया पार्क है, तो आप भी जाके यहाँ पे एक बार जा सकते हो। बाकी ये हमारा देख सकते हो बहुत ही सुंदर, जो कि राम मंदिर, बहुत ही कितना ही सुंदर लग रहा है। गुंबद वगैरह आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर तरीके से है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर भी आपका इतिहास, इसके पूरा इतिहास के बारे में आप जान सकते हो। और ये हमारा आ गया है दूसरा, ये है देवीपाटन मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है। और देख सकते हैं जो लोग जैसे कि जो बाहर से आते हो उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए ये सब बोर्ड लगाए गए ताकि उनको नॉलेज हो। बाकी ये हमारा गोरखनाथ मंदिर आ गया है, तो विजिट जैसे बाहर से लोग विजिट करते हैं आकर, उनको नहीं है इन चीज़ों के बारे में पता, तो यहाँ पे बोर्ड इसीलिए लगाए गए हैं, और साइन बोर्ड भी लगाए गए ताकि आपको किसी भी तरीके से आने जाने में परेशानी ना हो। किसी भी चीज़ का साइन बोर्ड देख के आप उस साइड में जा सकते हो। बाकी ये आप उनकी जानकारी, नाम की जानकारी के लिए। और अभी हम ये आ गए हैं, ये हमारा महापरिनिर्वाण मंदिर, यानी कि ये बुद्ध जी का मंदिर है। ये आप देख सकते हो लेटे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप, कितने ही प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हो। टोटल आपका वेस्टेड मटेरियल से बनाया गया है। तो अभी हम यहाँ आगे चलते हैं, आप यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है हमारा, साइड साइड में देख रहे हो यहाँ पे नौका विहार का भी है, तो आगे मैं आपको बताऊँगी। तो अभी यहाँ से हम एंट्री करेंगे, तो ये हमारा दुधुआ नेशनल पार्क है, जो कि आप बहुत ही फेमस पार्क है, आप जानते होंगे उसके बारे में। तो यहाँ से हमारा दुधुआ नेशनल पार्क का दिखा दिया गया है। अभी मैं आपको बोर्ड दिखाती हूँ, यहाँ पे भी बोर्ड वगैरह सभी चीज़ लगाए गए हैं। बाकी ये देख सकते हो जू वगैरह में तो बोटिंग वगैरह का भी रखा गया, तो जो कि यहाँ पर भी छोटा सा बना दिया गया है। तो ये देख सकते हो जंगल, दुधुआ नेशनल पार्क का बहुत ही खतरनाक जंगल होता है, उसी टाइप सा ये बनाया गया है। और यहाँ पर भी ये हिस्ट्री आप यहाँ से जान सकते हो उसके बारे में कि किस तरीके से क्या चीज़ है, कब निर्माण हुआ। तो और बाकी स्कैन वगैरह का भी है, स्कैनिंग करके जान सकते हो। बाकी हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर फूल वगैरह देख सकते हो दोनों तरफ से, हर तरफ से फूल ही फूल दिख रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ शेर और हिरन, और मतलब काफ़ी जो भी दुधवा नेशनल पार्क में जो भी फेमस फेमस
पशु पक्षियाँ जो भी रहते हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ बहुत लोग आते हैं, ज़्यादातर वीडियो रील्स बनाने आते हैं, फ़ोटोशूट करवाने आते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा उसी तरीके से है, काफ़ी दूर तरी मतलब बहुत बड़ा बनाया गया है। दुधवा नेशनल पार्क तो आपने देखा सुना भी होगा कि काफ़ी बड़ा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको जो है बड़ा कर दिया गया है, बड़ा काफ़ी। और ये भी हमारा आप देख सकते हो, मैं एकदम पास से मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप टोटल वेस्ट मटेरियल से, और आप इसको पास में जाकर देखोगे आपको लगेगा नहीं कि ये मेटल का बना हुआ है, स्टील लोहा या जिस चीज़ का, मतलब ऐसा लगेगा ही, और देखने में लग रहा है जैसे एकदम असली वाला शेर लग रहा है। नहीं तो अगर आप लखनऊ में रहते हो और इस पार्क में नहीं आए हो, अभी जल्दी ओपन हुआ, तो आप जल्दी से इस पार्क में जाकर विजिट कर सकते हो। और ये मेरा वीडियो आप दूसरे को भी शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी और भी लोग इसके बारे में जानें, और जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पे आकर घूम के विजिट कर सकते हो, यहाँ की नॉलेज ले सकते हो कि यूपी में हमारे क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध हैं। तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो सारे मंदिरों के। तो अभी यहाँ पे टीटू को लग रहा है ये असली था, बाकी ये हिरण वगैरह आप देख रहे हो। तो अभी हम आगे चलते हैं, पेंट वगैरह कर दिया गया शेर की आंखें वाखें, और ये देख सकते हो क्लोज करके मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, देख रहे हो आप, ये चेन वगैरह जो होती है साइकिल की या बाइक की जो चेन जो पड़ती है उससे, देख रहे हो कारीगरी की गई है, कितना ही मतलब सुंदर कितना लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि वेस्टेड मटेरियल है। बाकी ये अभी हम आ गए इधर की साइड में, यहाँ हम लोग थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह करवाए हैं टीटू को, हो रहा टीटू ने उधर झूले देख लिए थे। हाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है झूले वगैरह भी हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और अभी हम इस तरफ आ गए, यहाँ पे जो है कुंभ मेला, छोटा सा कुंभ मेला बनाया गया है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके स्टील और लोहे हर तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ देख रहे हो इनके जो दाढ़ी वगैरह बनाई गई, ये छोटे छोटे जो बिट आती हैं लोहे की, उन्हीं मेटल की, उन्हीं चीज़ों से इनको मतलब इतनी बारीकी तरीके से बनाया गया है कि मतलब देखने में लग ही नहीं रहा है कि बैरिंग या चेन वगैरह मतलब जो भी लोहे वगैरह से बनाए गए हैं। तो अभी यहाँ पे काम भी चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ओपनिंग तो कर दी गई है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे और अभी बनाई जा रही हैं। तो आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो जो भी लोग हो, अगर नहीं आए हो, बहुत ही अच्छा है, देखने लायक पार्क है, घूमने लायक पार्क है। और यहाँ पे वीडियो शूट वगैरह भी कर सकते हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी हरियाली छाई रहती, फूल वगैरह भी लगाए गए हैं, अब कुछ चीज़ें अभी फूल वगैरह कुछ जगह लगाए भी जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे भी मैंने पूछा था गार्ड से, तो यहाँ पे भी अभी चीज़ें जो है बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे शेर वगैरह, ये पिंजरा जो बनाया गया था इसमें शेर वगैरह रखा जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं, ये आप देख सकते हो तुलसीदास, ये हमारे छोटे से तुलसीदास जी का बनाया गया है। देख सकते हो पेड़ वगैरह पीपल के, मतलब कितने पत्ते वत्ते इसके किस तरीके से मेटल से बनाया गया। तो फिर उसके बाद यहाँ हम लोग ने थोड़ा सा वीडियो शूट फोटो शूट कराया, टीटू तो काफ़ी खुश हो गई थी इस पार्क में आकर। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बोटिंग वगैरह के भी है, बहुत ही अच्छा है, मतलब कि यहाँ पे बोटिंग वगैरह का अभी 100 रुपीज़ चार्जेस है, 100 और 200 मतलब उसके हिसाब से ले रहे हैं। तो हम लोग ने बोटिंग नहीं की थी, मुझे डर लगता है। बाकी ये हम इधर आ गए हैं टीटू को लेकर एक्टिविटीज़ वाले में, यहाँ पे झूले वगैरह हैं बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छे हैं। तो आप यहाँ, बच्चे भी नहीं बोर होंगे, आप भी नहीं बोर होंगे। तो गाइज़ अगर आप लखनऊ में रहते हो आप और यहाँ पे विजिट नहीं की हो यूपी दर्शन पार्क में, तो जल्दी से जाकर विजिट करो, ज़्यादा टिकट भी नहीं है, और एंजॉय करो अच्छे से। और जो लोग बाहर रहते हो तो वो लोग भी आप यहाँ पे आकर देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हमारी यूपी में फेमस है। और ये मैं आपको एड्रेस आपको क्लियर करा दूँ कि ये हमारा 1090 चौराहे लखनऊ में जो पड़ता है, कहिए तो अम्बेडकर पार्क के जस्ट अपोजिट में पड़ता है, 1090 चौराहे के पास पड़ता है, बगल में ही यूपी दर्शन के पार्क के नाम से ही फेमस है। तो आप आ सकते हो। और आज का ब्लॉग जैसा भी लगा लाइक शेयर कमेंट करना, और तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।